साल का वही महीना शुरू हो चुका है जिसका सभी टेक्नोलॉजी लवर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, ये है फरवरी और MWC 2017 यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शुरू होने ही वाला है। इसे हम मोबाइल का महाकुंभ भी कह सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक धमाकेदार फोन्स का प्रदर्शन होता है जो कि पूरे साल लॉन्च होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसे ही धमाकेदार फोन्स दस्तक देने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं इस इवेंट पे लॉन्च होने वाले कुछ स्मार्टफोन्स पर। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसके फोन का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो है नोकिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस इवेंट पे नोकिया अपने फ्लैगशिप फोन्स यानी नोकिया 8 और P1 को लॉन्च कर सकता है। और अगर हम इनके रूमर्ड स्पेक्स पर नजर डालें तो ये फोन्स स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर, 6GB की रैम और 23MP रियर कैमरा से लैस हो सकते हैं। अब मोटो G4 प्लस के बाद आप भी G5 प्लस का इंतजार कर रहे होंगे और MWC में कंपनी इस फोन को प्रदर्शित कर सकती है। माना जा रहा है कि इस फोन में 5.5 इंच का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, 4GB की रैम, 13MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा और 3080mAh की बैटरी हो सकती है, और शायद ये फोन मार्च में इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। इसके अलावा अटकलें आ रही हैं कि इस फोन का एक सस्ता वेरियंट भी लॉन्च हो सकता है जिसका नाम मोटो G5 होगा। साल 2016 में LG हालांकि अपने G5 से लोगों को अपनी ओर ज्यादा लुभा नहीं पाया, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इसका अपडेटेड वर्जन यानी G6 लॉन्च करके कंपनी अपने फॉलोअर्स को जरूर खुश करेगी। माना जा रहा है कि G6 में 5.7 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले, 6GB की रैम और डुअल रियर कैमरा हो, और शायद हो सकता है कि ये फोन वाटरप्रूफ भी हो। ब्लैकबेरी की मार्केट हालांकि थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी MWC में अपना नया स्मार्टफोन ब्लैकबेरी मर्करी लॉन्च करके अपने डाई हार्ट फैंस को एक बार फिर से अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी। माना जा रहा है कि ये फोन QWERTY कीपैड वाला फोन हो, साथ ही साथ इसके स्पेस बार में ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर हो, और शायद हो सकता है कि इस फोन में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाए। Huawei अपने डुअल रियर कैमरा वाले स्मार्टफोन्स की वजह से ऑलरेडी खुद को एस्टैब्लिश कर चुकी है, और इसी के चलते कंपनी इस महीने अपना एक नया हाई एंड स्मार्टफोन P10 लॉन्च कर सकती है जो कि एक बार फिर से डुअल रियर कैमरा से लैस हो सकता है। और माना जा रहा है कि इस फोन में किरण 960 प्रोसेसर, 6GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज हो। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन्स जो कि MWC में लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है। अभी MWC शुरू होने वाला है और तब धमाका जरूर होगा, और हम आपके लिए सभी फोन्स की जानकारी लेके आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।